कानपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर पवित्र गंगा नदी के दक्षिण तट पर बसा हुआ है, जिसे प्राचीन समय में कान्हापुर नाम से जाना जाता था, जो कि कई भारतीय सभ्यताओं का घर भी माना जाता है। दोस्तों, इस शहर को उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस शहर की स्थापना सचेंदी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। कानपुर एक ऐसा शहर है जिसका अतीत जितना शानदार है, वर्तमान उतना उलझा हुआ है। औद्योगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत में चेन्नई के बाद चमड़े का सबसे ज्यादा उत्पादन कानपुर में ही होता है। यही कारण है कि कानपुर नगर को लेदर सिटी के नाम से जाना जाता है। कानपुर के इतिहास को जानना जितना दिलचस्प है, उतना ही मजेदार है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि इस शहर की स्थापना 10वीं और 13वीं सदी के बीच चंदेल राजवंश के शासकों ने की थी। यह स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र भी था। कानपुर के निर्माण में अंग्रेजों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। अंग्रेजों ने कानपुर को एक स्वरूप प्रदान किया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस शहर ने नरसंहार को भी देखा है। फ्रेंड, कानपुर को उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे आबादी वाले शहरों में भी गिना जाता है। यह शहर उत्तर प्रदेश के जिलों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, इस नगर को प्रशासनिक सुविधा के लिए दो भागों में बांट दिया गया था। कानपुर नगर और कानपुर देहात, किसी समय में इसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता था, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक कंपनियां और फैक्ट्रियां थी, जिनमें लाल इमली, जेके टायर और बजाज जैसी कंपनियां प्रमुख थी। फ्रेंड, अगर बात करें इस शहर के क्षेत्रफल की, तो यह शहर लगभग 4405 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, इस शहर के चर्चित व्यक्तियों में वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी पढ़ाई कानपुर के डीएवी कॉलेज से की थी। मोतीलाल नेहरू का संबंध भी कानपुर से था। सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव समेत कई बड़ी हस्तियों का घर भी कानपुर है। फ्रेंड, अगर बात करें इस शहर की पॉपुलेशन की, तो साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार कानपुर नगर की आबादी 45 लाख थी। साक्षरता दर यहाँ की करीब 82% है। यहाँ की 76% आबादी हिंदू है, वहीं 20% मुस्लिम आबादी निवास करती है। इसके अलावा जैन, सिख आदि धर्म के लोग रहते हैं। कानपुर नगर में 1000 पुरुषों के मुकाबले 852 महिलाओं का अनुपात है। यहाँ की करीब 93% आबादी हिंदी भाषी है, जबकि 5% उर्दू और 1% से भी कम पंजाबी बोलने वाले लोग हैं। कानपुर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों की बात करें तो यहाँ उच्च शिक्षा हेतु अनेक महाविद्यालय एवं निजी इंजीनियरिंग व सरकारी कॉलेज है, जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, जैसे कई शिक्षण संस्थान और कई संग्रहालय, अस्पताल और नर्सिंग होम स्थित है। दोस्तों, कानपुर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का प्रतीक है, जो कि अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनका आप भ्रमण कर सकते हैं, जिसमें श्री राधा कृष्ण मंदिर, भीतरगांव मंदिर, श्री राधा माधव मंदिर और जैन ग्लास मंदिर शामिल है। इसके अलावा कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम बहुत फेमस है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाते हैं। वहीं अगर रेल रूट की बात करें तो कानपुर देश के प्रमुख रेल रूट का अहम हिस्सा है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन देश के विभिन्न हिस्सों से अनेक रेलगाड़ियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। दिल्ली से पूर्वी भारत को जाने वाली अधिकतर ट्रेनें कानपुर से ही होकर गुजरती हैं। फ्रेंड, आप परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आप यहां की सैर का प्लान बना सकते हैं। आप यहां फूल बाग, नाना राव पार्क, कानपुर प्राणी उद्यान, जापानी गार्डन और महात्मा गांधी पार्क आदि के भ्रमण का प्लान बना सकते हैं। ट्रेन कानपुर शहर की सीमाएं हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर, हमीरपुर, कानपुर देहात और कन्नौज जिले के साथ लगती है। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।